वेलकम इन सोल स्टडी। आज हम हिंदी की सेकंड कविता करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरिवर्णा की शांत कछार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। अरिवर्णा की शांत कछार, तपस्वी के विरह की प्यार। वरुणा शब्द का अर्थ होता है वाराणसी के पास बहने वाली नदी, और कछार का यहाँ अर्थ है जब नदी के पास जो पानी भरने की एक जगह होती है, किनारा होता है, उसे हम कछार कहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो वरुणा है, जो वाराणसी की नदी है, उसका जो कछार स्थान है, पानी भरने का जो स्थान है, वो बहुत ही शांत है। तपस्वी के विराग की प्यार, तपस्वी के विराग की प्यार इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहते थे। खासकर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये स्थान जो था वो महात्मा बुद्ध को बहुत ही प्यारा था, इस कारण इसे तपस्वी के विराग की प्यार कहा गया है। आगे, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघु त्राण, लता पादप सुमनोरे पुंज। सतत का अर्थ होता है निरंतर, जो चीज़ लगातार होती रहती है। व्याकुलता के विश्राम, कवि बताते हैं कि जो व्यक्ति व्याकुल होता है, परेशान होता है, जो वो इस स्थान पर आकर विश्राम करता है, तो वो अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी समस्या यहाँ आकर भूल जाता है। अरे ऋषियों के कानन कुंज, और इसे ऋषियों के कानन कुंज कहा गया है क्योंकि यह जो थे ऋषियों की रहने के एक स्थान था, इस यहाँ पर अनेक ऋषि निवास करते थे क्योंकि इस स्थान में बहुत ही शांति थी। जब यहाँ पर जो लोग घबराए होते थे, जिनका मन घबराया होता था, यहाँ पर आके उनको मन को शांति मिल जाती थी क्योंकि यहाँ चारों ओर पौधों और पुष्पों के बीच जो यहाँ पर जो स्थान था वो पौधों और पुष्प से भरा हुआ था। जब पौधों और पुष्पों के बीच लोग आते थे तो अपने संसार से नष्ट हो जाने के भय को भूल जाते थे। वो जितनी समस्याएं थी उससे पल भर के लिए उन्हें छुटकारा मिल जाता था। आगे, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर की वसुधा से सूची संधि गूंजता था जिससे संचार संसार। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। आगे कवि बताते हैं कि तुम्हारी जो ये कुटिया है, जो ये स्थान है, यहाँ पर उज्जवल व्यापार चल रहा था। कहने का मतलब है कि जो यहाँ ऋषि मुनि रहते थे वो हमेशा ही मानवता के विकास के बारे में बताते थे, मानवता के विकास और उत्थान के बारे में बातें करते थे। तो यहाँ पे जो रहने वाला व्यक्ति होता है हमेशा मनुष्य के कल्याण की भावना रखता है और ऐसे कार्यों की गूंज पूरे संसार में फैली होती है। स्वर की वसुधा से सूची संधि, सूची का अर्थ होता है पवित्र स्थान, गूंजता था जिससे संसार, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी से। कवि बताते हैं कि ये एक ऐसा स्थान है जो लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी से मिलकर दोनों बना हुआ है, और यह स्थान बहुत ही शांति भरा हुआ है जिसमें संसार के लोग यहाँ पर आते हैं तो जो भय होते हैं, समस्याएं होते हैं, समस्याओं को वो भूल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी पंक्ति की ओर। अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। फिर से कवि कहते हैं कि जो वरुणा है, वाराणसी के पास बहने वाली नदी है, जो उसका कछार का स्थान है, वो बहुत ही शांति से भरा हुआ है। तपस्वी के विराग की प्यार इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अनेक तपस्वी, खासकर महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है कि वो यहाँ पर पहले रहते थे, इसलिए वो उनके प्रेम का एक स्थान है। इसके आगे वो बताते हैं, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। कुंजों का अर्थ होता है बाग बगीचों से, जो कि पौधों और फूलों से भरा हुआ है। तल्लीन का अर्थ है यहाँ पे लीन हो जाना, किसी चीज़ में जब हम लीन हो जाते हैं तब उसे हम कहते हैं तल्लीन। बताते हैं कि जब यहाँ पर तुम्हारे बाग बगीचे में जब ऋषि मुनि आपस में बात करते थे तो वो यहाँ पर लीन हो जाते थे, दर्शनों के होते थे वाद। वाद का अर्थ होता है बातचीत से, कि जब वो आपस में दर्शनों के बारे में बातचीत करते थे तो वो लीन हो जाते थे क्योंकि इसका वातावरण ही इतना ज़्यादा सुंदर था कि लोग उसी में लगे रहते थे।
देवताओं के प्रादुर्भाव स्वर्ग के बंधन के संवाद। प्रादुर्भाव का अर्थ होता है जन्म होना, कि किस तरीके से यहाँ पर देवताओं का निर्माण हुआ था, देवताओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। इसके अलावा वो बात करते हैं स्वर्ग के बंधन, कि स्वर्ग में किस प्रकार के बंधन होंगे, इनके बारे में वो बातचीत करते हैं। ये सभी बातचीत जो होती है वो काल्पनिक होती है। इसके आगे वो बताते हैं स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। स्निग्ध का अर्थ होता है कोमल या मुलायम, तरु का मतलब होता है पेड़ से, कि जब इस कोमल और मुलायम पेड़ों की छाया में बैठकर ऋषि मुनि परिषद करते थे, मीटिंग्स करते थे, तो वो यहाँ पे बड़े प्यार से काफ़ी देर तक यहाँ बैठ के सुविचार करते थे, अच्छे विचारों के बारे में बात करते थे। इसके अलावा वो अपने जीवन के बारे में बातचीत करते थे। भाग कितना लेगा मस्तिष्क हृदय का अधिकार। आगे कवि बताते हैं कि हमारे जीवन में जो हमारा मस्तिष्क है और हृदय, किसका कितना अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया कि जो मस्तिष्क होता है उसका संबंध हमारे ज्ञान से होता है, कि मस्तिष्क हमेशा ज्ञान की बातें करता है, और जो हृदय होता है वो बात करता है हमारे भाव की, इमोशंस की बात करता है। तो अगर हम मस्तिष्क से सोचते हैं तो वो इंसान बुद्धिमान कहलाता है, जब हृदय से सोचता है वो इंसान इमोशनल कहलाता है। तो बताते हैं कि हमारे जीवन में मस्तिष्क का और हृदय का कितना अधिकार होना चाहिए। ये पंक्ति यहीं ख़त्म होती है, अब नेक्स्ट पंक्ति करते हैं। अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विरागी प्यार। फिर से जो कवि प्रसाद हैं वो कहते हैं जो वरुणा, जो वाराणसी की नदी है वरुणा, उसकी जो कछार है वो बहुत ही शांति से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ का वातावरण शांति को बनाए रखता है। तपस्वी के विराग की प्यार, कि ये स्थान सभी तपस्वियों को, मुनि ऋषियों को, सभी को बहुत ही प्यारा था। छोड़कर पार्थिक भोग विभूति प्रेसी का दुर्लभ व प्यार। पार्थिव का अर्थ होता है सांसारिक और राजसी सुख। जो हमारे गौतम बुद्ध थे, जिसका एक नाम सिद्धार्थ भी है, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि वो राजाओं के परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी पार्थिव भोग, अपने सांसारिक और जो राजसी सुख थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सबका भोग छोड़कर, विभूति का मतलब बताया गया है कि ऐश्वर्य से, कि वो बहुत ही अमीर इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा सांसारिक और जो भी उनका ऐश्वर्य था सब छोड़ दिया। प्रेसी का दुर्लभ व प्यार, उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा, उसके प्यार को भी ठुकरा दिया। आगे बताते हैं पिता का वक्ष भरा वात्सल्य। जो उनके पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। उन्होंने अपने पिता के उस प्रेम को, उस स्नेह को, उस वात्सल्य को बताया गया है कि जो बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। पुत्र का शैशव सुलभ दुलार। उनके जो शिशु थे, जो पुत्र था उनका, उसका नाम था राहुल, उसके दुलार को भी उन्होंने ठुकरा दिया। कहने का मतलब है उन्होंने इसलिए ठुकराया था ताकि वो देश का कल्याण कर सके। दुख का सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। उन्होंने जो भी उनके जीवन में दुख थे या जो लोगों के जीवन में दुख हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए और प्राणियों के जीवन को उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने सांसारिक और भौतिक जो भी सुख थे उन सबको छोड़ दिया। अगर वो इन सांसारिक भौतिक सुखों को नहीं छोड़ते और राजाओं की तरह अपने महल में रहते, तो वो आज इतने प्रसिद्ध कभी भी नहीं हो पाते जितने वो आज हैं। सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। आरण्यक संवाद, आरण्यक जो है सारनाथ का जो स्थान है, वन स्थली स्थान है, वहाँ पर वो बैठ के अपने संवाद सुनाया करते थे। बुद्ध जो थे वो बहुत सारे संदेश दिए करते थे। तथागत जो है महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है, कि वो सबके द्वार द्वार पे जाके अब जीवन के बारे में ज्ञान दिया करते थे। अगली पंक्ति, अरि वरुणा की शांत कछार तपस्वी के विराग की प्यार। फिर से वही बात दोहराते हैं, इसके हम आगे करते हैं। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, ज्वाला की, जगत की ज्वाला करती शांत। मुक्ति जल का अर्थ होता है मोक्ष रूपी जल, शीतल का अर्थ है ठंडे से, और ज्वाला का अर्थ है
लपटों से कि जो लोगों के मन में जो ज्वाला उठती है, जो समस्याएं होती है, व्याकुलता है, उससे लिया गया है। जो हमारे जो प्रसाद कवि हैं वो बताते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जो हैं वो संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, उसके कारण उनके ज्ञान के कारण इस संसार में मुक्ति जल की शीतल बाढ़ आ गई है। कहने का मतलब है कि लोगों को उस उनके उपदेश से जो मिल रहा ज्ञान था उसकी प्राप्ति होने लगी है। जगत की ज्वाला करती शांत, जिससे जो लोगों के मन में जो समस्याएं थी, परेशानियां थी, वो सभी शांत होते जा रही हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश होते थे बहुत ही ज़्यादा डीपली हुआ करते थे, बहुत ही सोच विचार के वो उस उपदेश को दिया करते थे। जो सभी उपदेश थे वो सभी क्या होते थे कि हमारी लाइफ से रिलेटेड होते थे। आगे वो बताते हैं, तिमिर का हरने का दुख भरा। तिमिर का अर्थ होता है अहंकार से, ईगो से और अज्ञानता से। तेज अमिताभ अलौकिक कान, अमिताभ जो है वो दो शब्दों से बना है, अमित और आभा से, ठीक है। इन दोनों का मतलब ही, और अलौकिक, ये इन दोनों का ही मतलब क्या है, ब्राइटनेस से है, उजालों से है। कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो मन था, जो जिस प्रकार के वो व्यक्ति थे, वो अलौकिक थे, कि हर तरफ वो उजाला ही फैलाते रहते थे। उनका जो तेज था, उनका दिमाग जो था और जो उनका अलौकिक था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस था, बहुत ही रोशनी भरा था। और उन्होंने जो भी लोगों के मन में जो अज्ञानता थी, तिमिर था, उन सभी को उन्होंने क्या करा, उसे दूर कर दिया। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार। देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध, विक्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी। कि देवताओं की करनी से, देवताओं के विधान से बहुत लोग जो होते हैं परेशान होते हैं। कई लोगों के जो भी लाइफ में समस्या होती है वो कहते हैं कि ये देवताओं की देन है। प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भव बंधन, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। भव बंधन का अर्थ होता है कि संसार में जो जन्म और मृत्यु का जो बंधन होता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम इस जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति पा सकते हो, तुम्हें इसका पूरा अधिकार है। नेक्स्ट पंक्ति करते हैं, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कि वरुणा की जो कछार है वो बहुत ही शांत है, और ये जो स्थान है वो सभी ऋषि मुनियों को बहुत ही प्यारी थी। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पद से लो सुगति सुधार। अतिवाद, अति जो होते हैं वो दुख का कारण बनते हैं हमेशा से ही। सुगति मतलब अच्छी गति, मतलब मोक्ष की बात की गई है। जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि इस जीवन में अतियों को छोड़ दो। अति जो होते हैं कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो तुम्हारे जीवन में बस दुख ही दुख भर देंगे। मध्य पथ से लो सुगति उधार, कि तुम्हें मध्य पथ अपनाना चाहिए। मध्य पथ जो था वो बौद्ध धर्म का एक उपदेश था, मध्य प्रतिपदा का सिद्धांत। उन्होंने दिया था कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में विकास करना चाहता है तो उससे अतियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो अपने जीवन में सुगति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा। दुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। समुदाय का मतलब है कि रीज़न, वो रीज़न जो हमारे दुख को पैदा करते हैं, ठीक है। दुख का समुदाय उसका नाश, कि तुम उस दुख के जो कारण है उसको समझो, उसको पकड़ो और उसका नाश कर दो, उसे ख़त्म कर दो। मतलब दुख के जो जड़ होता है उसे, जड़ को नष्ट कर दो। तुम्हारे कर्मों का व्यापार, कि जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम कार्य करते हो, वही तुम्हारे जो कार्य होते हैं आगे जाके तुम्हें मिलते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ खराब करते हो तो वो आगे जाके तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। तो जो तुम्हारे कर्मों का व्यापार है, ज़रूरत है कि तुम उसमें सुधार करो, जो दुख के कारण है उसको जड़ से ख़त्म कर दो। विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ जलद स्वर मंत्र। जलद का अर्थ होता है, यहाँ पर जलद जो है वो बादल से लिया गया है, जलद, जलद सी मंत्र, मंत्र मतलब है गंभीर। इसमें उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है, इस स्थान पर गंभीर ध्वनि में मानवता के दुखों पर जो विजय थी उसकी घोषणा की गई।
मतलब इन्होंने उपदेश दिए थे जिसमें जो मानवता के जो भी दुख है, मनुष्य के ऊपर जो दुख होते हैं उस पर किस तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी यहाँ पर उन्होंने घोषणा की। आगे वो बोलते हैं कि मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। रविचंद्र, रवि मतलब हमें सबको पता है कि यहाँ पर जो बात की गई है वो सूर्य से रवि है, और चंद्र मतलब चंद्रमा। कि यह यहाँ मानवों को प्राप्त इस उपदेश के साक्षी हमारे स्वयं सूर्य और चंद्रमा हैं, जो उपदेश हमारे गौतम बुद्ध ने दिए थे। ये हमारा जो कविता है यहीं पे फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।